अपने विदेश दौरे पर युगांडा गए पीएम मोदी ने बिजनेस फोरम में एक ऐसा चुटकुला मारा है, सुनने वालों को भी जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की अहमियत समझ आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की हालत पतली करने के बाद पीएम मोदी तीन देशों के दौरे पर रवाना हो गए। अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे में पीएम मोदी ने सबसे पहले रवांडा का रुख किया, जिसके बाद अब वो युगांडा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बिजनेस फोरम को संबोधित किया और अपने एक चुटकुले से युगांडा के लोगों को ये समझा दिया कि सस्ते सामानों को खरीदने का क्या नुकसान होता है। मैं जब छोटा था तो एक चुटकुला सुना करता था कि एक बस स्टॉप पर एक गरीब लड़का पंखा बेच रहा था, जो 1 रुपए में पंखा दे रहा था। दूसरे वाले ने 8 आने बताया, तीसरा 4 आने में पंखा दे रहा था। एक शख्स ने 4 आने वाला पंखा लिया, लेकिन 3-4 बार पंखा हिलाने में ही टूट गया, तो उसने तुरंत पंखे वाले को पकड़ा और बताया। लेकिन पंखे वाले ने जवाब दिया कि मैंने पंखा हिलाने को थोड़ी कहा था, पंखा नहीं मुंडी हिलानी थी। अपने चुटकुले से पीएम मोदी ने ये बताया कि किस तरह से शुरू में चीजें महंगी हो लेकिन वे लंबे वक्त तक चलेंगी, जिसके बाद फोरम में तालियों की गूंज से इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की ये बात शायद युगांडा को समझ आ गई हो। तो देखा पीएम मोदी का दूसरों को समझाने का तरीका कितना अलग है। अपने चुटकुले से कैसे पीएम मोदी ने युगांडा को सस्ती महंगी चीजों का अंतर समझा दिया। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के युगांडा दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में कितनी मजबूती आती है।